वन प्लस ने हाल ही में अपनी नई स्मार्ट वॉच को लॉन्च किया था, लेकिन उसके कुछ ही टाइम में वन प्लस ने एक और काम कर दिखाया। वह यह है कि उसी वॉच का एक लिमिटेड एडिशन निकाला है। नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मिस्टर नट क्रैकर के एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो को शुरुआत से पहले ही हम आपको एक बात बता दें कि हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर एक गिव वे चालू किया है। इस गिव वे की घोषणा हम आने वाले 1K सब्सक्राइबर होने के बाद बताएंगे कि कौन इसमें विजेता हुआ। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ आपको इतना करना होगा कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर फॉलो करना होगा और साथ ही उस पर सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट लेकर हमें मैसेज में भेजना होगा ताकि हमें पता चल सके कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं, ताकि आपके जीतने के चांसेस बढ़ते जाएं। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें और नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हाल ही में वन प्लस ने एक स्मार्ट वॉच लॉन्च की थी और उसके कुछ ही समय बाद कंपनी ने उसका एक एडिशन भी बनाया था, लेकिन अब कंपनी उसको एक लिमिटेड एडिशन में लेके आई है जिसका नाम है साइबर पंक 2077। यह वॉच चाइना के अंदर लॉन्च हो चुकी है और इसकी कीमत 14,800 रुपये है चाइना के अंदर। वहीं ये इंडिया में इसको लॉन्च करने वाले यानी पूरे इंटरनेशनल लॉन्च करेंगे इसे 1 जून को कंपनी इसे इंटरनेशनल मार्केट में भेजने वाली है। साथ ही इसका सेकेंड एडिशन जो कोबेल्ट लिमिटेड एडिशन था वह भी जल्द ही लॉन्च होने वाला है और इस वॉच की कीमत जैसा कि 14,800 रुपये है तो इंडिया में यह शायद 15,000 से ऊपर जाने वाली है। अगर आपको यह वॉच की डिज़ाइन की बात करें तो इस वॉच में ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं किया है, लेकिन इसके स्ट्रेप्स यानी इसके पट्टों में ब्लैक और येल्लो का कॉम्बिनेशन दिया है। साथ ही इस वॉच में भी थोड़ा सा चेंजेस है, वो भी ब्लैक और येल्लो का कॉम्बिनेशन के साथ, और कुछ ज़्यादा इस चेंजेस नहीं किया है। सेम टू सेम जो वन प्लस ने अपनी पुरानी वॉच को बनाया था वही है। तो अगर आपको यह लिमिटेड एडिशन ख़रीदना है तो आपको 1 जून तक का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 1 जून से यह इंटरनेशनल मार्केट में आ जाएगी। हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी जानकारियां और भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट भी करें।